Hi, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty of DU. Today, I would like to discuss the landmark case of company law, which is mentioned in our case number 13, topic 2. Erlanger vs. New Semeraro Phosphate Company, 1878 का ये केस है, और ये जो केस है वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 69 पे बेस्ड है, जो प्रमोटर को डिफाइन करती है. सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर को इस प्रकार डिफाइन करती है कि जो कोई कंपनी के अफेयर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करे, या फिर जिसके एडवाइस या डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करे, वो उस कंपनी का प्रमोटर कहलाता है. अब इस केस पे आते हैं कि किसके इस केस के फैक्ट पे आते हैं. इस केस का फैक्ट ये है कि मिस्टर आयलंगर जो होते हैं वो कुछ लोगों के साथ मिल करके एक आइलैंड खरीदते हैं जो फॉस्फेट वाइन से भरा हुआ होता है, और वो जो आइलैंड खरीदते हैं वो 55,000 पाउंड में आइलैंड को खरीदा जाता है. उसके बाद एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि ये कंपनी उस आइलैंड में जो फॉस्फेट माइन है उसके वर्क को मैनेज करे. उसके बाद मिस्टर आइलैंगर जो होते हैं उस कंपनी में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसमें से 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, जो 2 डायरेक्टर होते हैं वो एब्रॉड रहते हैं, और बाकी जो 3 डायरेक्टर होते हैं वो मिस्टर आयलंगर के इंटायरली कंट्रोल में रहते हैं. ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जितने भी डायरेक्टर होते हैं ये वही हैं जिन्होंने इस आइलैंड को ख़रीदा था, यानी कि जो लोग आइलैंड मिलकर खरीदे थे वही एक कंपनी बनाए और वही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, यानी मेंबर बन गए, और फिर उस कंपनी को चला रहे हैं. अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो कंपनी होती है वो अपना प्रस्पेक्टस इशू करती है और उसके माध्यम से शेयर कंट्रीब्यूट करती है, और लोग अब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पैसे देकर के. अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपना आइलैंड कंपनी को भेज देते हैं 1,10,000 पाउंड में, यानी कि 55,000 में खरीदे खुद और कंपनी बनाई और कंपनी को 1,10,000 पाउंड में भेज दिए, यानी कि टोटल अच्छा खासा 50,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिए. तो जब कंपनी को बेचा जाता है तो कंपनी का जो निर्माण होता है वो रीसेल के लिए होता है कि अब ये कंपनी जो है इस ज़मीन को फिर से बेचेगी और मुनाफा कमाएगी, और वो जो मुनाफा होगा वो शेयर होल्डर को कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. लेकिन होता क्या है कि कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाती है और सारा पैसा, मतलब कि जो मुनाफा आने वाला रहता है वो कोई मुनाफा आता नहीं है, सारा पैसा लगभग डूब जाता है. तो जितने भी लिक्विडेटर होते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं, वो प्रोमोटर को ही रिफंड करने के लिए क्लेम करते हैं कि आपने जो कंपनी को जो ज़मीन बेचा था, यानी आइलैंड बेचा था, उससे जो प्रॉफिट आपने कमाया था वो प्रॉफिट हमको दीजिए, क्योंकि आप ही के वजह से ऐसा सब हुआ है. तो अब सवाल ये है कि क्या प्रोमोटर अपना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को देंगे या नहीं देंगे, क्या उनको लायबल माना जाएगा. अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं. कोर्ट ये कहती है कि प्रोमोटर जो है वो अपनी ज़मीन, यानी कि अपना आइलैंड उस कंपनी को बेचना चाह रहे थे जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो खुद थे. तो अगर वो ऐसा करना चाह रहे थे तो सबसे पहले उनको ये बात इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी के इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बतानी चाहिए, लेकिन इस केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये खुद थे. दूसरा ये है कि अगर मान के लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं था तो कम से कम आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि प्रोस्पेक्टस में इस बात को मैंशन करते कि हाँ हमने इस आइलैंड को कंपनी को 1,10,000 पाउंड में बेचा है, लेकिन आपने ये भी नहीं किया. साथ ही साथ अगर आपने ये नहीं किया तो तीसरा ऑप्शन ये भी था कि जितने भी शेयर होल्डर थे उनको तो आपको बताना चाहिए था कि हमने अपने ही अपना ही आइलैंड इस कंपनी को बेचा है और इसमें से इतना का प्रॉफिट मिला है, लेकिन आपने तीनों में से ये कुछ नहीं किया. कोर्ट फिर आगे कहता है कि प्रमोटर्स की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, जिसमें से 3 ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंट माना गया है. पहला है नॉट टू टेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के नाम पर पर्सनल प्रॉफिट आप गेन नहीं कर सकते हैं. दूसरा ये है कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल काम कीजिए, और तीसरा ये है कि अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं उठाना है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी ही ज़मीन कंपनी को ही बेच देते हैं, तो यहाँ पे वो उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है.
इसलिए कोर्ट ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं, जो कि प्रोमोटर्स भी हैं, यानी प्रोमोटर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो उनको अपने प्रॉफिट का जो शेयर है वो देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, यानी कि आप लायबल होंगे। तो फैक्ट इशू आज में नहीं आई है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।